शादी में पनीर के बिना और शार्क टैंक में अश्नीर के बिना चलता ही नहीं है। हाँ हाँ, निकालो इसको। ले फिर आ गए सब राजी खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? ये बंद करो, इंट्रो भी इंट्रो 10 मिनट में कपिल शर्मा से चालू होने वाला है, उनको सेट चाहिए शूट करने के लिए। नमस्कार साक्ष, मेरा नाम वडोदरा है और मैं प्रथम से आया हूँ। तो साक्ष, किस किस का बचपन का सपना रहा है कि अब एक ना एक बार तो अपनी गाड़ी या बाइक की टंकी फुल करवाए? हाँ यार, बात तो सही है, पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं फार्मा कंपनी से हूँ, मुझे इस फिल्म में इंटरेस्ट नहीं है, सो आई एम आउट। अबे ओ, पूरी पीच तो सुन ले पहले। तो भाई सुन, मेरे पास ना 2-3 लग्जरियस कार है, तो मैं हर बार टैंक फुल करवा के जाता। अश्नीर, यू आर फायर्ड। कोई बात नहीं भाई, तो मेरे लिपस्टिक बेच दे। हाँ ये कर लो पहले। बेचो बे, ये अनुपम कब से बोल बोल कर रहा है, बंद कर उसको। लेकिन मैं तो कुछ बोला ही नहीं। कंटिन्यू। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मेरा नाम साहब, आपका रिक्शा वाला 50 रुपया मांग रहा है। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। छुट्टे है क्या? आ, मेरे पास तो क्यू आ रहा है। जलसा कर। हाँ तो मैं कहाँ था? शुरुआत पे। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रथम बोई है, मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे इंडियन आइडल नहीं चल रहा है, यहाँ पे नया कक्कर नहीं रोती। हाँ यहाँ तो अश्नीर की बोली गूंजती है। ये नामकरण हटाओ और अपना बिजनेस आइडिया बताओ और निकलो। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया पेट्रोल के बारे में, तो हमारे बिजनेस आइडिया भी उसी से रिलेटेड है। अच्छा, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेट्रोल के दाम पल पल बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमने स्टार्टअप शुरू किया। ठीक है, समरिया चिंदी चोरू प्राइवेट लिमिटेड हमारा बिजनेस आइडिया है, और उसका स्लोगन रस्ते का माल सस्ते में। वाओ नाइस। कोई पानी लेगा? हाँ एक ग्लास। तो ले लो। मैम आप लोगे? मैं फार्मा कंपनी से हूँ, मुझे इस फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो आई एम आउट। जा भाई तू जा। क्या आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? नहीं। क्या यार? ओ भाई जल्दी करो, कपिल शर्मा वेट कर रहा है। तो शख्स, आप कभी ना कभी पब्लिक प्लेस पर तो गए होंगे, जैसे मॉल्स हो गया, गार्डन, रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि पार्किंग में बहुत सारी गाड़ी खड़ी रहती है, ठीक है? तो हम तभी अपना काम हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड को 20 रुपये की बत्ती दे के हमारे आदमी गाड़ी के पास जाते हैं, फिर उसमें से पेट्रोल निकाल लेते हैं और अपने मेन हेड ऑफिस पे पहुँचा लेते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है ये स्टार्टअप में? और साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट भी बता देना। तो हमारी इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं, और चोरी करने में क्या प्रोडक्शन कॉस्ट? हाँ वो भी है। तो शख्स, कैसा लगा आपको हमारे बिजनेस आइडिया जिसमें 0% इन्वेस्टमेंट और 100% प्रॉफिट? तो मैं यहाँ पे रेस करने आया हूँ 30 लाख फॉर 11% इक्विटी, और हमारी कंपनी की वैल्यूएशन है 1 करोड़। मुझे आपका आइडिया पर्सनली बहुत अच्छा लगा, सो मैं। जैसा कि आपको पता है मैं फार्मा कंपनी से हूँ। अरे भाई सुन तो लो, आई एम इन। सटे सटे सटे। आई हैव अ ग्रेट ऑफर दैट यू कांट रिफ्यूज। इसमें मैं आपको 30 लाख पर 11% इक्विटी के बदले 20% इक्विटी दूंगा। हमारे ऑफर में क्या बुराई है? अरे यार झगड़ा मत करो, एक काम करते हैं, सारे शायद ही हो जाए। ठीक है। हाँ लेकिन अश्नीर से तो पूछ लो। भाई देख, एक तो मैं तेरी चोरी से बहुत गुस्सा हूँ, मतलब दुगलेपन की भी कोई हद होती है। ये हमारे बिग जायंट्स हैं जैसे कि रिलायंस, टाटा, वो सब भी इस इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, तो मैं भी काफी पीछे हूँ। नसीब वाले हो भाई आप, जिसको सारे शार्क एक साथ मिल गए। ले लो मेरा। मतलब 30 लाख में सारे शार्क 20 लाख। डन सर, डन।
कैसा लग रहा है आपको सभी साथ एक साथ मिल गए? मतलब यार आप तो बहुत नसीब वाले हो। सलमान खान भाईजान यहाँ पे।